ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स ने कमाल कर दिखाया। इस बार वेटलिफ्टिंग में भारत के हाथ लगे कुल 12 तगमे। वेटलिफ्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं इन कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारतीय वेटलिफ्टर सुखंडे से। सुखंड, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे, कमाल का प्रदर्शन आपने करके दिखाया, स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। कैसा रहा खुद का प्रदर्शन? स्वर्ण पदक से खुश हैं या जो ओवरऑल आपका प्रदर्शन था उससे सेटिस्फाइड है? नहीं, ओवरऑल जो मेरा कंपटीशन था उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो स्नैच और क्लिंजर का जो इवेंट होता है तो स्नैच में मैं काफ़ी पीछे रह गया था और क्लिंजर में मैंने तो कवर किया था, तो इसलिए मुझे गोल्ड मिला। तो जब स्नैच इवेंट में आप पीछे रह गए थे तो उस वक्त क्या मन में कोई डर था कि इस बार तो स्वर्ण पदक नहीं ले पाऊंगा? ऑब्वियसली, क्योंकि स्नैच में हम पीछे रह जाते तो फिर क्लिंजर में हमें उसके लिए और ज़्यादा ये करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है गोल्ड के लिए। तो मैं भी तब डरा तो थोड़ा बहुत तो मुझे डर लगा था। तब उसके बाद हमें कोचेस ने मुझे आके समझाया और सपोर्ट भी किया, उस टाइम में मुझे जोश भी दिया कि स्नैच में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, स्नैच में आगे पीछे होता ही रहता है, जो क्लिंजर में स्ट्रांग है लास्ट में उसका ही मेडल आता है। तो फिर मैं उस टाइम डर निकल गया, फिर मैंने सोचा हाँ क्लिंजर में मुझे करना है और गोल्ड भी, उसके लिए मुझे गोल्ड के लिए फाइट भी करना है। तो आखिर तक मैंने सक्सेस भी हुआ क्लिंजर में, फाइट भी किया और जीत भी गए आप। कितना मुश्किल था वो फाइट करना? क्योंकि हर कंप्यूटर कोई इतना कमज़ोर भी नहीं था और बहुत स्ट्रांग था, सभी कंप्यूटर अपने अपने मेडल के लिए रेडी होके तैयार होके आए थे अपने देश के लिए मेडल लेने के लिए। तो बहुत फाइट हुआ था, एक एक केजी में भी बहुत फाइट हुआ था, पाकिस्तान था, श्रीलंका, मलेशिया, उन लोग बहुत काफ़ी अच्छा सीनियर और कॉन्फिडेंट लिफ्टर था, उसके साथ फाइट करने में भी मुझे अच्छा लगा। और आखिर में जो अच्छा लिफ्ट करता है, जो वही जीता है और उसमें आप जीत गए। सुखन, जो भारतीय वेटलिफ्टर्स ने ओवरऑल प्रदर्शन करके दिखाया, 12 तगमे भारत के हाथ में आए जिसमें 3 स्वर्ण पदक भी शामिल थे, वो कितना अच्छा लगा आपको, उससे कितने सेटिस्फाइड हैं? जी, मैं तो पहले धन्यवाद कहूँगा हमारे वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को, सेक्रेटरी को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, और हमारे जो कोचेस और सपोर्टर स्टाफ है, तो उन लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया और हर चीज़ में हमें जो भी कुछ हमें कमी महसूस हुआ, हमने आखिर कोच को बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें तुरंत ही ये चीज़ हमें देने के लिए कोशिश किया और हमें मिल भी जाते हैं फेडरेशन से। हमारा जो सेक्रेटरी है उसने भी बोला जो चीज़ आप लोगों को चाहिए हमें बोल दो, हम पूरे कोशिश करेंगे। आखिर में हमारा सप्लीमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम इतना महंगा सप्लीमेंट हम बाहर से इतना खरीद के नहीं खा सकते, इसके लिए भी हमारे फेडरेशन ने बहुत हमें सपोर्ट किया, हमें हर चीज़ में, हर सप्लीमेंट में हमें हेल्प किया है। तो इसके लिए हम आखिर इसमें बहुत हमें फ़ायदा भी हुआ और ज़्यादा के ज़्यादा हम मेडल भी दिया इस बार इंडिया को। सुखन, ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हुई, अगर उससे थोड़ी हट के बात की जाए, इस खेल से कैसे जुड़े आप? बहुत ज़्यादा लोग हमारे देश में वेटलिफ्टिंग नहीं करते हैं जी, तो आप इस खेल से कैसे जुड़े? मैंने जब गांव में था मेरे वेस्ट बंगाल में, तो मेरे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन हुआ, तो मैंने देखने गया था पापा के साथ, तो मुझे देख के बहुत इंटरेस्ट लगा, अच्छा लगा। मैंने पापा को बोला कि मैं भी करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मेरे पापा बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारे घर के सामने वेटलिफ्टिंग जिम था, वहाँ पर मुझे जाके भर्ती किया था। मैं वहाँ पर धीरे धीरे सीखा, वहाँ पर मैं कोच के अंडर शिक्षा लिया और वहाँ पर अच्छा मुझे टेक्निक भी और लिफ्टिंग के बारे में अच्छा नॉलेज भी मुझे दिया गया था, तो धीरे धीरे मैंने अच्छा इम्प्रूवमेंट भी किया। लेकिन जब ये खेल शुरू किया था, क्या उस समय सोचा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, इन स्तरों तक पहुंचना है या इतनी कामयाबियां हासिल करनी? नहीं, उस टाइम तो सिर्फ मुझे लिफ्टिंग के बारे में जानना था, ये तो मुझे मेरा मैं सोचा ही नहीं कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स आगे होता है, तब तक मेरा सोच मतलब इतना आगे नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने नेशनल लेवल, फिर एक एक कदम चढ़ते गए और यहाँ तक पहुँच गए। जी जी। सुखन, ये सफ़र कितना मुश्किल या कितना आसान रहा आपके लिए, जो पूरा वेट लिफ्टिंग का सफ़र रहा? ये वेट लिफ्टिंग कोई इतना तो आसान गेम नहीं है, एक वजन उठाना और हमारा जितना वो बॉडी वेट है, हमारा जो वजन है उससे 2 गुना वजन उठाना, इसके लिए बहुत टफ होता है और हमें ट्रेनिंग में बहुत इंजुरी भी होता है, कभी शोल्डर इंजुरी होता है, टेक्निकली कुछ भी
प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकली थोड़ा सा भी गलत हो जाता है। आप इंजरीज की बात कर रहे हो तो थोड़ा अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे और हमें बताइए भी, ये जो आपके गले पे निशान है ये ऐसे हैं निशान जैसे कटा हुआ हो, ये भी गेम के कारण है कुछ? जी जी, हम जब ये क्लीन जर्क जब हम करते हैं, जो गले में हमें 140 150 केजी वजन गिरता है, उस रॉड में हमें वो रॉड का जो लर्निंग होता है, जो ग्रिप होता है, सीधा हमारे गले में गिरता है और वो छिल जाता है, हमें फट जाता है, कभी कभी हमें खून भी निकलता है, पर हमें आदत पड़ गया है इसके साथ लड़ाई करना, वही वजन के साथ फाइट करना, इतना भी फर्क नहीं पड़ता, पर दर्द तो बहुत ही होता है हर इंसान को। इतना दर्द जब होता है तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया मन में कि गेम चेंज कर लें या वेट लिफ्टिंग छोड़ के किसी और चीज़ में चले जाएं? नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम इतना दूर आ गए तो फिर हम हटना भी हमें अच्छा नहीं लगता, और दूसरा गेम में भी जाएंगे तो फिर वैसे ही हर गेम में ही कुछ ना कुछ दिक्कतें होता है, हर प्रॉब्लम भी होता है, इंजुरी भी होता है, तो हम अपने गेम को ही हम क्यों ना चुने, और हम आपको अपने गेम को जितना प्यार करेंगे उतना हमें उसका लाभ भी होगा, हमें और उतना ही गेम से प्यार वापस भी मिलेगा और आप गोल्ड मेडल भी जीतेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसा आपने करके दिखाया। कुछ अलग इससे बातचीत आपसे करना चाहते हैं, हम काफ़ी देर से आपका अभ्यास देख रहे थे, आपका प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे, ये पाउडर हमने आपको लगाते हुए देखा बहुत बार, ज़रा हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये पाउडर किस काम आता है, क्या होता क्या है? ये कोई आम पाउडर नहीं है, ये हम मैग्नीशियम पाउडर कहते हैं इसको, और ये हम हाथ में लगाने के बाद इसका हमारा जो चिकनाहट और जो ग्रिप और भी स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल, जैसे हम रॉड पकड़ते हैं तो ये देखिए जैसे ये ग्रिप हमारा बिल्कुल बिल्कुल फट जाता है। इनफैक्ट आप हमारे दर्शकों को भी अगर दिखाएंगे सुखन के अगर हाथों को देखा जाए तो इनके हाथों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खेल कितना मुश्किल है और किस तरह के मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, हाथों की कंडीशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी सुखन, आप बता रहे तो थे। तो ये पाउडर हम लगाने के बाद थोड़ा बहुत हमें सेफ्टी होता है, क्योंकि इसमें जो बहुत हमारे जो ओलिफ्टिंग बार में जो बहुत लर्निंग है तो पूरा हाथ को फाड़ देता है, पूरा फाड़ देता है, ये लगाने के बाद हमें थोड़ा हाथ सॉफ्ट हो जाता है और ग्रिपिंग में भी स्ट्रांग होता है और स्लिप भी नहीं होता, इसलिए हमें बहुत इसमें ये होता है आसानी हो जाती है इसके बाद। आसान हो जाता है, हमें हेल्प भी मिलता है। सुखन आप जरा उधर से हमारे पास आइए, आपसे आपके वेट्स के बारे में भी पूछना चाहूंगा। आप जब से मैं आपको अभ्यास करते हुए देख रहा था, कभी आप एक वेट उठा लेते थे, कभी दूसरा उठा लेते थे और हर बार वेट का कलर डिफरेंट होता था, ये कलर्स का क्या सीन है, जो ये सारे कलर्स हैं वेट्स के और किस हिसाब से आप इनको यूज़ करते हैं वो बताइए। जी, ये जो हमारे सामने जो ये प्लेट है ये एलिको सेट है, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में ये यूज़ किया जाता है, और इसका प्लेट का जो ये कलर है इसको कंपटीशन में हमने आइडेंटिफाई करने के लिए इस ये कलर दिया गया है, जैसे कोई कंप्यूटर या रेफरी अगर आप देखा जाए वेट के हिसाब से बताइए, ये जो हरा वाला है प्लेट, जी ये कितने, ये हरा वाला जो है ये 10 kg का है, 10 kg, ये पीला कलर का जो है 15 kg का, ये ब्लू कलर का जो नीला कलर का ये 20, और ये रेड कलर का है ये 25 kg का होता है। और ये जो छोटे यहाँ पर पड़े हुए हैं जी, ये भी वेट कैटेगरी के हिसाब से इनको कलर दिया गया जी जी जी, ये जो 1 kg का है ये 1 kg ग्रीन कलर का, पीला कलर 1.5 का, 2 kg का ब्लू है, रेड 2.5 का है, एंड 5 kg का वाइट कलर का प्लेट, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो आप जब अपना ट्रेनिंग स्केड्यूल जो है वो फॉलो करते हैं तो उस समय इन सभी वेट्स को जी मैनेज करना आपके लिए इनके कलरिंग के हिसाब से आसान हो जाता है। जी 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 जी, कि हमें पहचानने में आसान हो जाता है कलर के ऊपर डिपेंड करने के लिए, और हमें आदत भी पड़ जाता है, क्योंकि ये कलर हमें तो रोज इस कलर के साथ हमें वेट के साथ हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो सुखन जी, अभी तक जो आपका पूरा करियर रहा है जी, उसमें आप जो कमाल कर चुके हैं वो सब जानते हैं, अब आगे के लिए लक्ष्य क्या रखा है? अभी आने वाले जो नेक्स्ट मंथ में एशियन गेम्स है तो उसमें मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो परफॉर्मेंस दिया उससे और बेहतर देने के लिए, और उसका नेक्स्ट जो महीने नवंबर में है, अक्टूबर में जो है उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कजाकिस्तान में, उससे ओलंपिक क्वालिफाई के लिए ओलंपिक क्वालिफाई राउंड शुरू हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन करके हमारे टीम को अच्छा पॉइंट देने के लिए, जाके आने वाले जो ओलंपिक्स है उसमें ज़्यादा के ज़्यादा सीट मिले और हमारे वेट लिफ्टिंग के ज़्यादा लिफ्टर उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सुखन, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के बीच में जो टाइम गैप है जी बहुत कम है जी, लगभग 1 महीने के अंतराल में ही एशियन गेम्स आ जाने हैं, तो क्या
पीक परफॉर्मेंस दोबारा लाने में कोई मुश्किल आ सकती है या क्या ये किसी किस्म की दुविधा पेश कर सकती है वेटलिफ्टर्स के लिए? हाँ, बहुत इसमें हम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि जो फ्लाइट वेट 62 केजी कैटेगरीज में होता है उसमें हमें बहुत बॉडी वेट रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे हम ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग में हम बॉडी वेट रखते 59 to 60, तो कम्पिटिशन के टाइम हमें 56 में कम से कम 4 kg बॉडी वेट रिड्यूस करना पड़ता है। और जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने 3 kg से 4 kg बॉडी वेट रिड्यूस किया, उसको फिर रिकवरी करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 महीने लगता है, तो वो टाइम हमारे पास नहीं है रिकवरी करने के लिए। तो हम यही कोशिश करेंगे जो हम यहाँ पर अभी पीक पॉइंट में तो नहीं आ पाएंगे, 80-90% हम ट्रेनिंग करके रिपीटेशन वर्क करके उसी परफॉर्मेंस को फिर रिपीट कर सके या उससे ज़्यादा भी कर सके, यही हमारा भी टारगेट है। चलिए सुखन, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने कहा, हम भी वही उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे टारगेट अचीव ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पदक, बल्कि कहा जाए कि सारे के सारे पदक भारत की झोली में डालें। हम पूरा कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे सुखन डे, और सुखन डे का कहना है कि अभी तक जो वो कमाल कर चुके हैं वो पीछे छोड़ने वाले हैं, अब उनकी जो अगली कामयाबी हासिल करने की सोची हुई है वो है एशियन गेम्स का पदक। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एशियन गेम्स में सिर्फ सुखंडे ही नहीं बल्कि सभी भारतीय वेटलिफ्टर कमाल करके दिखाएं। परवेश संधू, ABP News, पटियाला।